दोस्तों आज हम चलते हैं लॉन्ग ट्रिप पे। आज हमारी ट्रिप कम से कम 200 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक की होगी। इस ट्रिप में आज हम गाड़ी का टैंक टू टैंक माइलेज चेक करेंगे कि हमारी ये कार टाटा टियागो एक्सेड प्लस लॉन्ग ट्रिप में टैंक टू टैंक कितना माइलेज देती है। इस ट्रिप में आज हम हर तरह के रास्ते को कवर करेंगे जिसमें हाईवे, कच्चा रोड, सिटी सभी का मिलाकर यहाँ औसत माइलेज कितना आता है। तो दोस्तों चलते हैं पेट्रोल पंप पर गाड़ी का टैंक फुल कराने। तो अब दोस्तों आप वीडियो देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। टंकी फुल कर दें। हाँ सर चालू कर। ये ऑटो कट हो गया। हमें इसको गाड़ी का जो ट्रिप मीटर है इसको मैं जीरो कर लेता हूँ। एक बार किलोमीटर चलाएंगे। अपनी जो गाड़ी चली है यहाँ पर 15.9 किलोमीटर चली है और जो गाड़ी का एवरेज आ रहा है 23.5 KMPL का आ रहा है। क्या है, हम यहाँ से गाड़ी को सिंगल वे पे लेंगे। तो हम इस गाड़ी में भी हम दो जने हैं, फिर बाद में एक और बैठेगा आगे से, तो हम तीन हो जाएंगे। तो आज मैंने ये कोशिश करी है कि हाईवे का, सिंगल वे का, ट्रैफिक का, सबका एक साथ जो ओवरऑल माइलेज है तो इसका सबको आपको व्यू मिल जाएगा यहाँ पर। देखो दोस्तों रोड कैसा है, जगह जगह ब्रेकर है सड़क के ऊपर। तो अभी जो हमारी गाड़ी है चली है 20.9 किलोमीटर और एवरेज दे रही है 22.8 KMPL का। तो हम गाड़ी में तीन जने हो गए हैं। इस सड़क पे भी दोस्तों काफ़ी ट्रैफिक रहता है, मजाने चलाने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों इस गाड़ी को। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस सड़क पे आप देख सकते हो काफ़ी छोटे छोटे गड्ढे हैं इस सड़क के ऊपर, तो इसका तो इसमें एहसास होता है नहीं छोटे मोटे गड्ढों का कि कोई गड्ढा ऐसा निकल गया रास्ते में। तो दोस्तों हम सिवाड़ गांव के अंदर यहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखो दोस्तों रास्ता कितना खराब है यहाँ पर। देखो आप, बहुत मुश्किल रास्ता है, जगह जगह बहुत मोड़ है और गाड़ी में भी एसी होने में। तो दोस्तों हम यहाँ गाड़ी से उतरते हैं, अब अपन मंदिर में चलेंगे यहाँ से। तो हम सिवाड़ से निकल चुके हैं, अब चलते हैं चौथ का बरवाड़ा और अपनी गाड़ी चल चुकी है 43 किलोमीटर और एवरेज दे रही है 18.6 KMPL का। किलोमीटर चली है और गाड़ी का एवरेज आ रहा है 18.6 किलोमीटर। देखो दोस्तों ये बिल्कुल पूरी बनास नदी है दोनों तरफ भी। दोस्तों ये सवाई माधोपुर में चौथ का बरवड़ आ चुका है ये। तो अपनी गाड़ी चल चुकी है 66 किलोमीटर चल चुकी है और गाड़ी का एवरेज आ रहा है 19.4 KMPL का। देखो दोस्तों सड़क कितनी खराब है, बिल्कुल ऊपर का ऊपर रास्ता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये चौथ का बरवड़ आ चुके हैं जो सवाई माधोपुर में। तो अभी गाड़ी चली है यहाँ पर 68.3 किलोमीटर और गाड़ी की जो एवरेज आ रहा है यहाँ पर 19.2 KMPL। दोस्तों मंदिर से नीचे उतर चुके हैं, ये अपने सामने गाड़ी खड़ी है टाटा टियागो प्लस अपनी गाड़ी। तो दोस्तों हम ये चौथ का बरवड़ से बाहर निकल गए हैं, 73 किलोमीटर चल चुकी है और 18.9 KMPL का यहाँ पर एवरेज बता रही। अब हम इटावा गांव के अंदर चलेंगे। ऐसी सड़क पे चल रहे हैं दोस्तों जो काफी छोटी है यहाँ गाड़ी। सामने जो आप मंदिर देख रहे हो इटावा बालाजी का मंदिर है ये। अब यहाँ आकर अपनी गाड़ी चली है 84 किलोमीटर 19.2 KMPL का माइलेज दे रही है। अब हम मंदिर में जाकर आते हैं। दोस्तों मंदिर से बाहर निकल चुके हैं। तो दोस्तों हम ये सवाई माधोपुर पहुँच चुके हैं राजस्थान के अंदर। 93 किलोमीटर चल चुकी है और जो एवरेज दे रही है गाड़ी यहाँ पर 19.3 KMPL का यहाँ एवरेज दे रही है। तो अभी हम सिटी में चल रहे हैं यहाँ पर ये। तो अब लगभग अपन ने सिटी में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और इस सिटी में गाड़ी केवल सेकंड गियर में चल रही है। आप डिस्प्ले पर देख सकते हो वहाँ पर, देखो गाड़ी अपनी चल चुकी है 98.4 किलोमीटर और एवरेज आ रहा है 19.1 KMPL का। और जो अपनी गाड़ी है 100 किलोमीटर चल चुकी है देखो, और 19.1 KMPL का ये माइलेज दे रही है 19। दोस्तों ये रणथंभौर एरिया चालू हो चुका है, जो हम चल रहे हैं रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर चल रहे हैं ये। चलिए अपने यहाँ पर 111 किलोमीटर जो गाड़ी का जो एवरेज आया है यहाँ पर चलने में 19.3 KMPL का आया है। तो ये गेट आ गया सामने एक, देखो दोस्तों आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। देखो दोस्तों यहाँ से पहले चढ़ाई थी, अब उसमें उतरेंगे नीचे अपन गाड़ी लेकर। तो हम आ गए यहाँ से आगे हम गाड़ी ले जा नहीं सकते हैं। तो जो यहाँ अपनी गाड़ी है ये देख सकते हो, सब गाड़ियाँ यहीं लग खड़ी रहती है। देखो आप यहाँ से सभी को आगे पैदल पैदल जाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी गाड़ी आकर 116.5 किलोमीटर चली और 18.8 KMPL का यहाँ पर माइलेज दे रही है।
दोस्तों बंदर होने वाला है, इसलिए मैं आपको आगे कार कितनी दूर चली और इसका उस समय माइलेज कितना रहा यही बता पाऊंगा। तो दोस्तों हम ब्रांड से बाहर निकल चुके हैं और अपनी गाड़ी चली है, अब बाहर निकलने पर 121 किलोमीटर चल चुकी है और यहाँ एवरेज आ रहा है 18.7 के एम पी लगा रहा है। अपनी गाड़ी 143.5 किलोमीटर चल चुकी है और एवरेज बता रही है 18.5 किलोमीटर का। तो दोस्तों मैंने गाड़ी यहाँ रोक दी है आपको डिस्प्ले बताने के लिए, तो आप देख सकते हो अपनी गाड़ी चली 213 किलोमीटर और 19.6 के एम पी लगा माइलेज दे रही है और अपन चल रहे हैं अभी इस टाइम हाईवे के ऊपर। अपनी गाड़ी चल चुकी है 232.7 किलोमीटर और 19.8 के एम पी लगा माइलेज दे रही है। तो हमने जब शुरुआत की थी तो इसी पेट्रोल रूम से हमने पेट्रोल भरवाया था। गाड़ी जो टोटल चली है आप डिस्प्ले पर देख सकते हो 252.2 किलोमीटर चली है और जो गाड़ी का एवरेज आ रहा है यहाँ 20.1 के एम पी एल का डिस्प्ले पर आ रहा है। भाई ऑटो कट पे कर देना। और रात का समय हो चुका है, काफ़ी दूर अपन चल चुके हैं, ऑटो कट पे करना ठीक है। तो देखते हैं देखे भाई कितना इसमें पेट्रोल आता है। तो अपने गाड़ी में यहाँ पेट्रोल आए 13.67 लीटर पेट्रोल आए। तो जो अपना एवरेज आ रहा है यहाँ 18.45 का आ रहा है। आप डिस्प्ले के माइलेज से जो गाड़ी है लगभग 1.5 के एम पी एल का माइलेज यहाँ कम दे रही है, तो इतना जो माइलेज है काफ़ी अच्छा है, कम माइलेज नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। कमेंट जरूर करना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।